हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल के प्याज और पालक के पकोड़े, बहुत क्रिस्पी और यम्मी। तो चलिए हम बनाते हैं प्याज और पालक के पकोड़े। तो मैंने यहाँ पे ना पालक अच्छे से धो ली है, अब हम इसे चॉप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पालक को चॉप कर रही हूँ। और ना आपने मैंने इस तरीके से ये पालक और प्याज के पकोड़े बनाए हैं, अगर आपने इसी तरीके से ये बनाए ना तो आपको ये प्याज के और पालक के पकोड़े इतने पसंद आएंगे कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब मैंने प्याज भी अच्छे से लंबी लंबी चॉप कर ली है। तो अब मैंने ना प्याज को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी एक से डेढ़ चम्मच सॉल्ट। तो सॉल्ट ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिए। तो प्याज में अगर सॉल्ट हम डाल के उसको मिक्स करके अच्छे से आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए देंगे, तब तक उसका पानी ही छूट जाएगा प्याज का। और अब हमने यहाँ पे हरा धनिया भी काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी चॉप कर लिया है और अब हम बनाएंगे प्याज पालक के पकोड़े का बैटर। तो मैंने यहाँ पे लिए एक बाउल में सारी कटी हुई पालक डाल दी है और यहाँ पे ना पालक को अच्छे से धो के चॉप कर लिया था मैंने। अब हम यहाँ पे पालक डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन में उसमें उतना ही डालूँगी जितना हमारे पालक में वो मिक्स हो जाए। हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना है इसीलिए। और उसके साथ मैंने यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला था, एक चम्मच चावल का आटा। अब उसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन मिक्स कर दिया है। और आप थोड़ा सा नमक यहाँ पे डालना है और हरा धनिया कटा हुआ। और हम इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे बहुत पानी नहीं मिलाना है, इसे पतला नहीं करना है। तो मैंने यहाँ बहुत थोड़ा सा पानी लेके बस पालक में बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए इतना ही मैंने मिक्स किया है। इसी तरीके से हम प्याज का भी बैटर बना लेंगे। प्याज ने पानी छोड़ दिया था तो उसी पानी में हम बेसन मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे बेसन डाला है, उसमें थोड़ा चावल का आटा और सारे मसाले डाल दिए हैं। यहाँ पे हमें नमक नहीं मिलाना है क्योंकि हमने नमक पहले ही प्याज में पानी छूटने के लिए मिक्स कर दिया था। अगर आप डबल नमक मिला देंगे ना तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। और बस थोड़ा सा पानी लेके कि बेसन उसमें अच्छे से कोट हो जाए प्याज में, बस इतना ही हमें यहाँ पे मिक्स करना है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम इसे डीप फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, अब मैं पकोड़ों को डालने वाली हूँ। यहाँ पे पकोड़े भी आप डालते हैं ना तो हमें उसके बॉल बना के नहीं डालने हैं, बस हमें उसके लच्छे बना के खुले खुला ही हमें उसको स्प्रेड करना है तेल में, ताकि जो हमारा स्ट्रीट स्टाइल पकोड़ा होता है ना उसी स्टाइल में हमारा पकोड़ा बने। तो देखिए मैंने इसी तरीके से यहाँ पे पकोड़े डाले हैं, उसके बॉल बना के नहीं डाले हैं। अनइवन शेप में ये पकोड़े बनते हैं, इसका कोई ऐसे बहुत प्रॉपर बॉल बना के गोल गोल पकोड़े आपको बनाने नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ हॉट चॉकलेट। मेरे बेटे को हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है तो जब तक हमारे पकोड़े सीख रहे हैं ना तब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पे हॉट चॉकलेट। और हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप दूध और उसमें मैंने लिया है हाफ टी स्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी बहुत थोड़ी मैंने कॉफ़ी, और हाफ टी स्पून मैंने डाली है शक्कर। अब मैंने उसे अच्छे से उबाल लिया है और दूध में जब उबाल आ जाता है ना तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स किया है 1/4 कप से हाफ कप मैंने लिया है चोको चिप्स चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और हम उसे अच्छे से उबाल लेंगे। और ये बन गया हमारा यहाँ पे हॉट चॉकलेट। और हमारे पकोड़े भी यहाँ पे तल के साइड में रेडी हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे उसी तरीके से पालक पकोड़े डाल रही हूँ जिस तरीके से हमने प्याज के पकोड़े तलने के लिए रखे थे। और हमारे प्याज पालक के पकोड़े भी अब रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। और यहाँ पे ना मेरा साइड में हॉट चॉकलेट भी रेडी हो गया था। तो देखिए मैंने पालक पकोड़े की और प्याज के क्रिस्पी पकोड़े की प्लेटिंग कर दी है और ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी और यम्मी बनते हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। अब मेरा हॉट चॉकलेट भी रेडी है, तो अब मैं उसे भी कप में पोर कर रही हूँ। और ये देखिए हमारी आज की शाम की स्नैक्स प्लेटिंग रेडी हो गई है। और आज तो बहुत ही मज़ा आ गया हमें प्याज के पकोड़े और पालक के पकोड़े खा के हॉट चॉकलेट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय।